हाउ टू बाईपास गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे और काफ़ी आसान वे में समझेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं जब आप अपना फ़ोन फैक्ट्री रिसेट या हार्ड रिसेट जो भी आप आपके द्वारा किया जाता है, तो आपका फ़ोन जो है इस मोड में जाता है कि आपको आपका जो गूगल अकाउंट जो जिससे इसमें साइन इन हुआ था फैक्ट्री रिसेट होने से पहले, वही इसमें डालना होगा ईमेल और पासवर्ड के साथ। और वो हो सकता है वो आपको याद ना हो तो आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा और बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे कि आप कैसे अपना जो फ़ोन है वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे वेरीफाई, यहाँ पर जो ये गूगल अकाउंट वेरीफाई का है इसको कैसे बाईपास करें। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ये चीज़ है कि आपका फ़ोन होना चाहिए वाईफाई से कनेक्ट, यानी इंटरनेट होना चाहिए इसमें, यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो आपके सामने आता है ये चीज़, ईमेल या फ़ोन डालकर यहाँ पर फिर पासवर्ड से, ये हो जाए तो कोई केस ही नहीं, लेकिन आपको याद नहीं है ईमेल और पासवर्ड। तो जैसे कि जब आपका फ़ोन फॉर्मेट होकर वापस ऑन होता है तो ये चीज़ आती है, फिर इसमें आप आगे जाते हैं और फिर आगे सबसे पहले वाईफाई से फ़ोन को किया जाता है कनेक्ट और दूसरी चीज़ें। तो अब यहाँ पर जो वाईफाई है इसमें हमने देखा कि अब हमें क्या करना है, कैसे अपना फ़ोन को फिर से हम यूज़ करें, कैसे बाईपास करें जो FRP बाईपास है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ऐड नेटवर्क, इसमें जाना है, इसमें जैसे कि कुछ लिखा हमने, कुछ भी लिख दिया एंड्रॉयड या एंड्रॉयड जो भी, अब इसमें इसको हाईलाइट करना है और फिर यहाँ पर कट कॉपी और असिस्ट का ऑप्शन आता है, इसमें जाना है। तो ये आपके पास गूगल खुल जाता है, तो गूगल में आपको क्या सर्च करना है, सिंपल क्रोम, तो ये क्रोम आपके सामने आ जाएगा, साइन इन टू क्रोम। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नो थैंक्स, तो आपके सामने ये क्रोम खुल गया है, देख सकते हैं। अब इसमें आपको सर्च करना है दो चीज़ें, दो ऐप्स आपको डाउनलोड यहाँ पर आपके द्वारा किए जाएंगे इजी वे में समझेंगे हम, कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो यहाँ पर FRP बाईपास आपको लिखना है और उसका जो ऐप है APK है वो डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप एक कोई ऐप ले सकते हैं, तो ऐसी वेबसाइट से ही लेते हैं जो थोड़ी बहुत जानी पहचानी है। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, तो यही है ऑप्शन डाउनलोड का, डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है तो क्लिक हियर करना है, तो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर आपके पास जो इस परमिशन है अपडेट करनी है और ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अब दूसरी ऐप हमें देखनी है कौन सी डाउनलोड करनी है, वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर। तो आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं या आखिरी के 4-5 सालों में लगभग 6 से ऊपर ही होता है उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न, तो इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है, चेक हो रहा है, वेबसाइट ओपन हो रही है। अब यहाँ से हमें क्या कर लेना है, जो ये ऐप है ये APK डाउनलोड कर लेना है। इस
इसमें भी यही डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक किया, तो ये आ गया, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें जो है डाउनलोड हो गई है, वो हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर इसमें नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों एक एक करके डाउनलोड कर लेने हैं। सेटिंग्स, इंस्टॉल ब्लॉक, अननोन सोर्स को ऑन कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, FRP बाईपास ये इंस्टॉल हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है ये, ये भी हो गया डाउनलोड। तो इस ऐप को बाद में करना था डाउनलोड, ताकि हम ओपन कर सके, तो इसको फिर से डाउनलोड कर लिया, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसको FRP बाईपास को ओपन किया, इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है रिटाइप पासवर्ड, तो इसमें यहाँ पर ब्राउज़र साइन इन आपको इसमें जाना है। तो ये ब्राउज़र साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा गूगल का। तो अब यहाँ पर आप वही ईमेल या वही ईमेल और पासवर्ड डालना ज़रूरी नहीं जो आपने इसमें पहले डाला हुआ था, कोई भी आप ईमेल या अपना जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर ये हमने ईमेल डाल दिया है, अब नेक्स्ट, अब पासवर्ड डालना है इसका, तो ये पासवर्ड भी डाल दिया है। अब वापस नेक्स्ट, साइनिंग इन हो रहा है। अब जो ऑप्शन हमारे सामने आता है ये, तो अब यहाँ से बैक करें के तो अब क्या करना है, फ़ोन रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ से रीस्टार्ट, अब ये स्टार्ट होगा धीरे धीरे। बहुत ही आसान वे है। तो यहाँ से टॉकबैक को तो एग्ज़िट कर देना है, ये स्टार्ट, वाईफाई कनेक्टेड ही है, नेक्स्ट नेक्स्ट, टॉकबैक ऑन हो गया क्या। तो यहाँ से टॉकबैक ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ से अकाउंट एडेड आ गया है, तो अब यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आपसे जीमेल अकाउंट नहीं मांग रहा है, थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ गया है लगभग 2-3 मिनट बाद। तो अब ये आप डेट एंड टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, या ना भी करें तो भी फिलहाल चलेगा। अब यहाँ से पासवर्ड या कोई लगा सकते हैं, तो यहाँ से पैटर्न लगा देते हैं।
बैकअप पिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेट हो गई, फिर से कंफर्म के नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ से सैमसंग अकाउंट ऐड करने का है, स्किप कर सकते हैं इसको भी फ़िलहाल, बाद में आप कर सकते हैं ऐड चाहे तो। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये यहाँ पर इसको भी नेक्स्ट। तो ये ऐप्स आप चाहे तो इंस्टॉल करें या ना करें। फिनिश। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अकाउंट या जो था गूगल अकाउंट बाईपास हो गया है और आपका फ़ोन एक्टिवेट हो गया है, चालू हो गया है वही फैक्ट्री रीसेट के साथ। और आपने जीमेल अकाउंट भी ऐड कर लिया और दूसरा जीमेल अकाउंट ऐड किया जो आपको याद, जो ओल्ड जीमेल अकाउंट था वो आप भूल गए थे, इस वजह से आपको नया करना पड़ा और आपका फ़ोन एक्टिव हो गया है। तो कितना आसानी से हमने ये कर लिया। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इसकी, और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए।